आपने एक ट्वीट किया है बिहार इलेक्शन को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? कहना हम यही चाह रहे हैं कि जब कभी भी इलेक्शन आते हैं और हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, डेमोक्रेसी में हम लोग भरोसा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हम इलेक्शन लड़ते हैं और अपने हकूक को हासिल करने के लिए, अपने राइट्स को हासिल करने के लिए, तो अचानक ये सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं मगर प्रैक्टिकली नहीं है, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि बी टीम है, फलां टीम है। हर डेटा इस बात को प्रूफ करता है कि MIM के कंटेस्ट करने से बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा है बल्कि MIM को फायदा हो रहा है और सेकुलर पार्टीज झूठा इल्जाम लगाती है। एम्पिरिकल डेटा है, बिहार में हम लोग एक पार्लियामेंट की सीट पर लड़े और वहां पर बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस जीती और पूरे सीटों पर मां बाकी सीटों पर NDA कामयाब हो गई। तो हमको बताइए ये कांग्रेस RJD वाले आप क्यों नहीं हरा सके बीजेपी को वहां पर, हम तो एक ही सीट लड़े। महाराष्ट्र में हम एक सीट लड़े औरंगाबाद में, वहां पर इम्तियाज जलील ने 22 साल के MP शिवसेना के को हरा दिया और फिर कांग्रेस NCP शिवसेना के साथ गोद में बैठ गई है, पावर शेयर कर रहे हैं, वो क्या सेकुलरिज्म है? आप मंदिर निर्माण के लिए आप ईंट भी जाते हैं, वो सेकुलरिज्म है? ये सब इनकी हिपोक्रेसी है और देश इसको देख रहा है और मुझे यकीन है कि अब के बार बिहार के इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और इनका सेकुलरिज्म एक इनका हिपोक्रेसी है, बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। बाय इलेक्शन हम जीतते हैं, वहाँ बीजेपी को हराते हैं किशनगंज की, तो ये इनकी बौखलाहट है और दिक्कत आ रही है। सर आप हमेशा बीजेपी को रोकने की बात करते हैं, बिहार में आप कर सकते थे बीजेपी को रोकने का, आप कर सकते थे, कुछ पार्टियों से हाथ मिला सकते थे, गठबंधन कर सकते थे, लेकिन आप जिस तरह से लड़ रहे हैं आपके ये आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी को चलिए। अरे हमने तो एक बिहार के एक बहुत बड़े लीडर के साथ, उनकी पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस, हमने देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हमारे कन्वीनर हैं। ये वो आदमी है जो कर्पूरी ठाकुर के लिए अपनी सीट छोड़ दिया था, 5 टर्म के MP है। हम उनके साथ चलिए, आज आप हमसे करिए, आप तो हमसे बात करने को तैयार नहीं है, मगर हम देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के साथ अलायंस किए हैं और हमको पूरा यकीन है कि बिहार की जनता हमको अपनी मोहब्बत से और अपने भरोसे से नवाजेगी और आप देखेंगे, देखते रहेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सर बिहार चुनाव ही वजह है कि आपने मथुरा का राम मंदिर का पटाखे फोड़े? ना ना ना, लेकिन नहीं, गलत बात है, ना गलत गलत, बिल्कुल गलत बात है। मैं तो आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैं आपने सवाल किया था प्रमोद साहब, मैंने उस वक्त कहा था कि ये जजमेंट एक तो हिंदुत्व, इस देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का रास्ता फराहम करेगा। मैंने ये भी कहा था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से पुराने इश्यूज खुलेंगे जिसमें काशी और मथुरा का, और सच साबित हुआ मेरा बात बोल रहा हूं, और वो लोग कोर्ट को गए। जब एग्रीमेंट हो चुका है ईदगाह कमेटी के साथ, बाज़ाब्ता पूरा एग्रीमेंट की मैंने कॉपी ट्वीट की, अब क्यों मसला उठा रहे हैं? क्योंकि उनको हिम्मत मिली इस जजमेंट के बाद कि वो ये समझ रहे हैं कि बिलीफ को कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया और उनको उम्मीद ये लगी हुई कि दोबारा इस मसले में कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट बिलीफ को अपहोल्ड करेगा और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ एविडेंस को कोर्ट बाजू रख देगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से कि पार्लियामेंट का 1991 का रिलीजियस प्रिंसिपल वर्शिप एक्ट है, वो एक्ट ये कहता है कि जो 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस प्लेसेस थे, चाहे वो हिंदुओं के हो, मुसलमानों के हो, सिख के हो, ईसाइयों को, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो क्या मोदी सरकार कोर्ट से जाकर कहेगी कि 1991 का प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के तहत वो जो केस डाला गया वो मेंटेनेबल नहीं है? और राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा है इस एक्ट को, तो क्या मोदी सरकार खुले अल्फाज में कहेगी या नहीं कहेगी, या फिर वो फिर इसी तरह से इस इशू को उठाएगी अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए? सर आप भी तो सियासी मुनाफे के लिए इस इशू को उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो 1991 एक्ट को सामने रखकर कह रहा हूँ। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बात को कहा था कि ये मसले उठेंगे और मैं सच साबित हो रहा हूँ। अब देखना यह है कि मोदी सरकार उस पार्लियामेंट के कानून को का लिहाज रखते हुए उसको अमल करेगी या फिर अपने सियासी फायदे के लिए
इस तरह से ये आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करते रहेगी ताकि देश दोबारा वो जो टर्मोइल से गुजरा है 1989 से 1992 उसके बाद, क्या उसको दोबारा झोंकना चाहेंगे उस आग में? ये तो मोदी सरकार को बताना पड़ेगा। इस देश में जब तक इस देश के मर्द लोग महिलाओं के ताल्लुक से, ख्वातीन के ताल्लुक से अपनी ज़हनी गंदगी को साफ जब तक नहीं करेंगे, ये जुल्म होता रहेगा। और ख़ास तौर से जुल्म होता है उन महिलाओं का जिनका ताल्लुक दलित तबके से, माइनॉरिटीज से, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट से होता है, और ये बढ़ता जा रहा है, रुकने वाला नहीं है, बढ़ता जा रहा है। और तीसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में ठोक दो की सरकार है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल नहीं करते। ठोक दो, क्या ठोका आपने? क्या आपने रोका इन लोगों को? 19 साल की लड़की, इतना बुरी तरह उससे बर्ताव किया गया उससे, आप बताइए उसका क्या हो रहा है? फिर आप बताइए, उसका रेप हुआ, उस बच्ची के स्पाइनल कॉर्ड तोड़ा गया, जबान को काटा गया, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? ठोक दो बोलेगी? ठोक दो से नहीं होता है, आपको इन्वेस्टिगेशन सही करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा इन ऑफेंसेस से पहले। आपकी पुलिस को तो आपने छूट दे दिया है कि गोली मार दो, अरे गोली मारने से होता है? इसके लिए बहुत जरूरी है कि कानून का डर ऐसे शैतानों के दिलो दिमाग पर पैदा होना जरूरी है। इनको कानून का डर ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया कि ठोक दो, ये ठोक दो की पॉलिसी इन वाकयात को नहीं रोक पाएगी। जब तक कानून का डर नहीं पैदा होगा, आप बताइए कि मध्य प्रदेश में एक डीजी लेवल का ऑफिसर, उसका वीडियो वायरल होता है, वो अपने घर में अपनी वाइफ को पीटता है, अरेस्ट क्यों नहीं करते उसको आप? के बोले कंप्लेन करो, कंप्लेन क्यों करेंगे? जब सारी दुनिया ने उसको वीडियो देख लिया तो कंप्लेन की जरूरत है सरकार को? और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि भाई हम उनको ड्यूटी से रिलीव कर दिए। जो पुलिस जिसकी हिफाजत कर रहा है वो अपने घर में अपनी बीवी को पीटता है, क्या कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं महिलाओं में आप? और उत्तर प्रदेश में तो आपकी ठोक दो की पॉलिसी है। तो ये बहुत जरूरी है कि पुलिस और कानून का डर उस वक्त पैदा होगा जब ये ठोक दो की एनकाउंटर की पॉलिसी खत्म होगी। जब तक आप एनकाउंटर ठोक दो करते रहेंगे, इन लोगों में क्या डर पैदा हो रहा है? शमशाबाद में आपने ठोक दिया, मोइनाबाद में इंसिडेंट हो गया, तो इन पुलिस का और कानून का डर उस वक्त पैदा होगा जब रूल ऑफ लॉ पर इंप्लीमेंटेशन होगा।